हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज रिलायंस में अच्छा खासा गेन देखने को मिला, बढ़िया तेजी थी। हालांकि तेजी भारती एयरटेल में थी। यहाँ पे वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, उसका सीधा सीधा फायदा जो जियो बोली होने वाली है भारती एयरटेल और जियो को बताया जा रहा है। तो वन ऑफ द ये तो रीजन है ही कि इन दोनों स्टॉक में लगातार तेजी का माहौल है। परंतु इसके अलावा भी तीन खबरें हैं जो कि रिलायंस में काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ पे हमें बढ़िया से लेवल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बढ़िया तेजी का माहौल कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों खबरों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा और साथ ही साथ हम अगले क्या पड़ाव हो सकते हैं रिलायंस के लिए, अभी आगे कितना जा सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्लोजिंग कैसी रही थी रिलायंस की। तो यहाँ पे देखिए 2131 के आसपास क्लोजिंग है, 27 रुपये यहाँ पे ऊपर, 1.30% की तेजी यहाँ पे हमें रिलायंस में देखने को मिली। पहले तो जो तीन खबरें हैं उसके बारे में ही डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली खबर टाइम्स ऑफ न्यूज की वेबसाइट पे निकल करके आ रही है। यहाँ पे देखे हाईवे रिटेलिंग रिलायंस रिटेल प्लांट ओपन, कैश डिजिटल स्टोर्स, ईवी चार्जिंग पॉइंट एट फ्यूल स्टेशन। मतलब कि यहाँ पे जो रिलायंस का अभी जो प्लान है रिलायंस रिटेल का, उसको एक्सपांड के तौर पर यहाँ पे रिलायंस क्या सोच रहा है कि यहाँ पे जो उसके पेट्रोल पंप से आगे जाकर के जो चार्जिंग स्टेशन भी आएंगे वहां पे अलग अलग आउटलेट खोले। मतलब कि रिलायंस रिटेल विल ओपन इट्स स्मार्ट पॉइंट कन्वेंशन आउटलेट, डिजिटल स्टोर्स, चार्जिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कैफे एंड अदर फूड बेवरेज रिटेलिंग फॉर्मेट नेक्स्ट टू द फ्यूल स्टेशन। मतलब कि जो चार्जिंग स्टेशन की बात करें, पेट्रोल पंप की बात करें, इन सभी जगह पे यहाँ पे रिलायंस क्या करने वाले हैं, कैफे खोलने वाली है, बार खोलने वाली है, होटल्स खोलने वाली है, जिसके चलते जब भी यहाँ पे कोई पेट्रोल डलवाने या तो फिर चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई भी यहाँ पे कस्टमर आता है तो वो इन सभी चीज़ों का भी लाभ ले सके। यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि रिलायंस बीपी यहाँ पे जो चेन कंपनियाँ है, फूड चेन कंपनियाँ, मैं बात करना चाहूँगा डोमिनोज पिज़्ज़ा और मैकडोनल्ड्स की और बाकी भी काफ़ी कंपनियाँ हैं, उनके साथ टाइप करेगी। वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में, मतलब कि जहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप से रिलायंस के चार्जिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे ये लोग भी आकर के उनकी प्रॉपर्टीज़ में आउटलेट खोले, जिसके चलते यहाँ पे जो पब्लिक की भीड़ है वो उन्हीं स्टेशनों पर ज़्यादा रहे, जिसका फ़ायदा पूरा पूरा पेट्रोल पंप को, चार्जिंग स्टेशनों को तो होगा ही होगा और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को भी इतना इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो मतलब 2 इन 1 होगा, आपका पेट्रोल भी डल जाएगा, मतलब कि यहाँ से आप जो कस्टमर पेट्रोल डलवाने या तो फिर चार्जिंग स्टेशन पे आएंगे वो तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ और भी यहाँ पे जो रिलायंस के बिजनेस है वो उसके साथ साथ आगे चल पड़ेंगे। और ऐसी ही खबर यहाँ पे बाजार में निकल करके आ रही है जो कि पॉजिटिव मूवमेंट का काम रिलायंस में करती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे दूसरी भी खबर है जो कि वन ऑफ द रीजन आज बताया जा रहा है कि रिलायंस में बढ़िया तेजी का माहौल इसी के चलते है। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्राइस गेन ऑन प्लान टू डबल पीईटी रिसाइकलिंग कैपेसिटी। तो जो पीईटी का रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे डबल करने का काफी दिनों से सपना था यहाँ पे मुकेश अंबानी का, और यहाँ पे ये अभी रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पीईटी यहाँ पे देखे तो वो अभी जो कैपेसिटी करने के लिए बताई जा रही है वो 5 बिलियन बताई जा रही है, जो कि वो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है वहां पे यहाँ पे वो जो फैसिलिटी है वो डबल करने की बातें करी जा रही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ये भी बहुत ही बढ़िया कारण है यहाँ पे रिलायंस के शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम लाने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है द एक्सपेंशन ऑफ पीटी रिसाइकलिंग कैपेसिटी इज अ पार्ट ऑफ मुकेश अंबानी विजन टू ट्रांसफॉर्म आर लेगेसी बिजनेस इनटू द सस्टेनेबल। मतलब कि मुकेश अंबानी जी का एक विजन था कि यहाँ पे इसको डबल करके यहाँ पे जो ये लेगेसी बिजनेस है उसको सस्टेन आगे भी करा जाए, तो इसी के चलते यहाँ पे कैपेसिटी डबल है वो करने का पूरा पूरा प्लान यहाँ पे रिलायंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी खबर पे भी लेके जाना चाहूंगा और तीसरी खबर द टाइम्स पे आपके सामने है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा ताकि मैं आपको पूरी तरह से खबर बता सकूं। यहाँ पे आप देखिए हेडलाइन पहले तो पढ़ के बताना चाहूंगा कि स्विगी रिलायंस बीपी मोबिलिटी पार्टनर टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम।
मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्विगी अपनी गाड़ियाँ चलाएगी, मतलब गाड़ियाँ कौन सी चलाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो चलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विगी में जब भी यहाँ पे कोई ऑर्डर करेगा और यहाँ पे फूड डिलीवर करने के लिए जो बाइक इस्तेमाल होगी वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगी, स्कूटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा। परंतु स्विगी ने यहाँ पे रिलायंस बीपी के साथ क्या पार्टनरशिप करी है, रिलायंस बीपी आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस की एक एंटिटी है, तो उनके साथ ये पार्टनरशिप करी कि यहाँ पे जो उनके 8 लाख के आसपास डेली की किलोमीटर होती है, मतलब कि पूरे भारत भर में आप देखोगे तो 8 लाख किलोमीटर यहाँ पे स्विगी की गाड़ियाँ घूमती है, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे वो सभी की सभी चार्जिंग वो रिलायंस के जो आउटलेट होगा चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे ही करेंगी, ऐसी यहाँ पे पार्टनरशिप निकल करके आ रही है स्विगी के साथ रिलायंस की। तो बढ़िया खबर है, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर है रिलायंस के लिए, और इसी के चलते यहाँ पे हमें शेयर प्राइस में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या बन रही है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखे कि बड़ी तेज यहाँ पे तेजी थी, उसके बाद उतनी तेजी से गिरावट भी हुई, हालांकि गिरावट जहाँ तेजी चालू हुई थी वहां तक बिल्कुल नहीं हुई, आधे तक हुई है 50%, और इसके बाद कंसोलिडेशन फेज चालू हो चुका है। मुझे लगता है आज रिलायंस ने यहाँ पे जो हाई बनाया था 2155 के आसपास का, यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए था तो और भी ज्यादा अच्छा माहौल होता। यहाँ पे 2150 के आसपास का रेजिस्टेंस है, उसको टच करके थोड़ा नीचे आ चुका है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला होगा। अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो जाता तो बढ़िया पैटर्न हो जाती, यहाँ पे ब्रेकआउट की सिचुएशन हो जाती, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसा होगा भी नहीं, आगे जा करके हो सकता है कल हो जाए या तो फिर नेक्स्ट वीक भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है जिस किसी ने यहाँ पे रिलायंस को बाय किया है उसको 2085 मतलब कि 2085 का ऐसे लेकर के यहाँ पे माल को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और कल इंट्राडे में अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग आती है यहाँ पे मिनिमम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। फिर आपका टारगेट 2205 से लेके 2215 के बीच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है दोस्तों ये कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस कर पाना मुश्किल होगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम बीता है उसके बाद ये लेवल क्रॉस हो, और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 2255 से लेके 2265 का जो लेवल है वहाँ पे वो भागता हुआ दिखाई दे सकता है। RSI का लेवल देखें तो 57 के आसपास का है, RSI का लेवल भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूँगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके तहत आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल डेट को मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, इसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2131 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 27 रुपये ऊपर 1.30% की तेजी, हाई 2154 रुपये का, लो 2104 रुपये के आसपास का। क्वांटिटी की बात करें 90,63,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 43,27,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग मानकर चलिए कि 48% की है। तो डिलीवरी की सिचुएशन तो यहाँ पे दबा करके है, धमाकेदार है, बढ़िया कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए, मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।